राम क्या भगवान राम है क्या? हमारे लिए एक अमेरिका की प्रेसिडेंट है, तो इनके लिए 7 मिलियन लोगों की खड़ा करने की क्या जरूरत है? मोदी जी अगर चाहे कि ट्रंप मोदी जी की खातिर पे आकर वो मोदी जी की दिशा में चलेगा तो ये सबसे बड़ा गलत होगी। वो तो अपना धंधे के लिए आ रहे हैं, हमें खुशी करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर हम उनसे कितना हमारे देश के लिए अदा कर सके वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये जो ट्रंप की हमारे भारत आने के बाद और मोदी जी की ये डिप्लोमेसी की काबिलियत, इसमें तय होगा। लेकिन ट्रंप ज्यादा से ज्यादा उन पे भरोसा ना किया जाए तो बेहतर होगा, ये मैं जरूर समझता हूं। ट्रंप क्या भगवान राम है क्या? हमारे लिए एक अमेरिका की प्रेसिडेंट है, तो इनके लिए 7 मिलियन लोगों की खड़ा करने की क्या जरूरत है? उनको तो पूजा करने के लिए हम लोग हिंदुस्तान के लोग नहीं खड़ा बैठे। बेतुके बयान देने के लिए अधीर रंजन चौधरी माहिर हैं, और जब प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप जब उनके उनका उनका रोड शो होगा, लाखों लोग उसको देखने के लिए अपने आप आएंगे। आपके आपके नेता के राहुल गांधी के सभाओं में भीड़ नहीं आती है, उसके लिए दोष हमें क्यों दे रहे हैं? देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति ट्रंप को देखने के लिए बेताब है, तो आपके पेट में क्यों दर्द है? तो किसी को मजबूरन नहीं खड़ा किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का कोई रैली नहीं है जहां भीड़ को इकट्ठा करने के लिए बहुत ताकत झोंकना पड़ता है। Have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. We're not treated very well by India, but I happen to like Prime Minister Modi a lot, and he told me we'll have 7 million people between the airport and the event, and the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world, so it's going to be very exciting.